देख भाई, पैर खराब है तो चलेगा, ईमान खराब नहीं होना चाहिए। सरकार जब आएगी तो काला धन आएगा, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाया जाएगा। कितने लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचाए? भाजपा का लोग आपसे वोट मांगने के लिए आए, उसको कहिए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया है, तुम्हारे खाते में अगर 15 लाख आया है तो हम तुमको वोट देने के लिए तैयार हैं। खाओ मां का कसम और बताओ कि 15 लाख आया है कि नहीं था। मैं आपके बीच में कुछ बेचने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको ये कहने आया हूं, मुझे गुजराती नहीं आती है, मैंने गुजराती नथी आवड़ते, तो इतनी समझ में आती है कि ये कह रहा था कि मेरा कमर खराब है तो पैर खराब है तो मुझे बैठकर बोलने की इजाजत दीजिए। देख भाई, पैर खराब है तो चलेगा, ईमान खराब नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बस बता दीजिए, मुझे नहीं कहना है, इस इंसान का ईमान खराब है क्या? थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, कुछ डाउट है क्या? ईमान खराब है क्या? तो हमारे पास एक ऐसी आवाज है जो सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मशहूर है। और इसीलिए ना रात को आसाम से पुलिस आई, सिर्फ गुजरात की पुलिस आई लव यू नहीं बोलती है, आसाम की पुलिस भी आजकल इसको इलू इलू बोल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा रही, जय शाह के पप्पा का मोहब्बत अगर इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहा तो आसाम क्या 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढेगी भाई साहब। क्या है ना कि 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है, एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। और आपने अभी देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना तो चैनल ही खरीद लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि दौर होता है हर चीज का। जब यहां पे माउंट बेटन आया था ना तो उसको नहीं लगता था कि ब्रिटिश राज कभी समाप्त होगा। जब लॉर्ड कर्जन आया था, तमाम जब अंग्रेज के अफसर आए थे और घोड़े पे चलते थे ना तो उनको अंदाजा नहीं था कि नंगे पांव चलने वाले लोग, खाली बदन अपने खेतों में खून पसीना बहाने वाले लोग किसी दिन उससे डरना बंद कर देंगे और उनके टैंक के सामने खड़ा होकर के कहेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमको स्वराज चाहिए। होता है, लगता है जब आपको सत्ता मिल जाती है ना तो अहंकार हो जाना स्वाभाविक है। और सत्ता का अहंकार देखिए कि चुनाव अभी हुआ भी नहीं है, अभी एक ही फेज का चुनाव हुआ है, दूसरे फेज का चुनाव 5 तारीख को होगा, लेकिन टीवी स्टूडियो में सरकार बन गई है। जैसा का पप्पा जो है घूम घूम करके मंत्रिमंडल बांट रहा है, जिस भी एमएलए के प्रचार में जाता है कहता है गुजरात के मेरे भाइयों बहनों इसको एमएलए बना दीजिए, हम इसको मंत्री बना देंगे। अरे पहले सरकार तो बना लो भाई, फिर न मंत्री बनाओगे? इसको कहते हैं सत्ता का घमंड, क्योंकि उनको ये लगता है कि इंसान अपनी सारी समस्याओं को भूल जाएगा, रोजी का सवाल, रोटी का सवाल, शिक्षा का सवाल, बीमारी का सवाल, सड़क का सवाल, सब सवाल भूल जाएगा अगर इंसान को उसकी भावना भड़का करके, उसके मन में नफरत पैदा करके, उसके मन में डर पैदा करके अगर इंसान को आपस में लड़ा दिया जाए तो लोग रोजी रोटी का सवाल भूल जाएंगे। ऐसा काम हो रहा है, ऐसा काम पिछले 27 साल से हो रहा है, इसीलिए तो चुनाव 2022 में हो रहा है और गाना 2002 का बजा रहा है, इसीलिए हो रहा है ना। उनको लगता है, क्योंकि 2 तरह के लोग इस देश में हमेशा रहे हैं, एक वो जो सत्ता के सामने
सच के लिए आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं और घुटना टिका करके अर करके खड़ा हो जाते हैं। चाहे उनके ऊपर टैंक चला दिया जाए, घोड़े दौड़ा दिए जाएं, हाथियों से उनका सर कुचल दिया जाए, और आजकल तो हम लोग साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में जीते हैं ना, तो आजकल नकली वीडियो बना करके लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता है। ये होता आया है, लेकिन दूसरे वो लोग भी होते हैं जो सत्ता के साथ चाय पे चर्चा करने लगते हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान भी दो तरह के लोग थे, एक वो जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने, एक वो जो अंग्रेजों से पैसे लेकर के अंग्रेजों के लिए चापलूसी कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रहे थे। आज 21वीं सदी में 2022 में भी दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो लोभ और डर के चलते सत्ता के साथ हाथ मिला लेते हैं, दूसरे वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ नहीं है, इसीलिए वो सत्ता के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछते हैं कि रे भाई, परिवारवाद पे भाषण देते हो तो ये बताओ कि अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाए हो, ये बताओ कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेकारी क्यों है, ये बताओ कि 22 बार गुजरात के अंदर प्रश्न पत्र लीक क्यों हुआ है, ये बताओ कि जब देश में महामारी फैली हुई थी तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा था, ये बताओ कि किसानों को क्यों आत्महत्या करनी पड़ती है, क्यों उनके फसल का दाम नहीं मिलता है, ये बताओ कि नोटबंदी करने के बाद आपने वादा किया था कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा, सरकार जब आएगी तो काला धन आएगा, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाया जाएगा। कितने लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचाए? भाजपा का लोग आपसे वोट मांगने के लिए आए तो उसको बुलाइए, आ जाओ बैठो, थोड़ा हम भी चाय पे चर्चा कर लेते हैं। उसको कहिए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया है, तुम्हारे खाते में अगर 15 लाख आया है तो हम तुमको वोट देने के लिए तैयार हैं, खाओ मां का कसम और बताओ कि 15 लाख आया है कि नहीं था। पूछिए कि क्यों महंगाई बढ़ रही है। एक मैडम है स्मृति ईरानी, मैं चाहता हूं कि बुरा दिन फिर से आ जाए, 400 रुपए में सिलेंडर मिलने लगे और सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी अहमदाबाद की सड़कों पे प्रदर्शन करना शुरू कर दें।